हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को काउंटर टिकट कैंसिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे पैसेंजर्स हैं जो अपना काउंटर का टिकट अपने मोबाइल फ़ोन से कैंसिल तो कर लेते हैं बट उनको रिफंड नहीं मिलता रेलवे काउंटर पर जाने के बाद। क्योंकि ऐसा होता क्यों है मैं आप सभी को बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काउंटर का टिकट काउंटर से कटवाने के बाद वो वेटिंग हो या कन्फर्म हो जो भी हो, वो लोग सोचते क्या है कि चलो अपना मोबाइल से, मेरे पास अभी टाइम नहीं है काउंटर पर जाने का, तो मोबाइल से कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने के बाद आराम से वो दो दिन, तीन दिन, चार दिन बाद जाके सोचते हैं कि रेलवे काउंटर से हम रिफंड ले लेंगे। और वो अपना मोबाइल फ़ोन में चेकिंग भी करते हैं तो रिफंडेबल अमाउंट भी शो होता है, ठीक है। जिसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं एक टिकट कैंसिल मतलब कर रहा हूँ, बहुत पहले का ही मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बट अभी दिखाने का कोई कारण इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो कैंसिल कर मतलब हो जाने के बाद आपको आपका बुकिंग अमाउंट और आपका रिफंडेबल अमाउंट शो होने लगता है, ठीक है। तो जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि मेरा बुकिंग अमाउंट और रिफंड अमाउंट कितना शो हो रहा है कितना नहीं, सेम इसी तरह से आप लोग भी करते होंगे। इसके बाद आप क्या करते होंगे कि कैंसिल हो जाने के बाद आप लोग निफिक्र हो जाते हैं कि चलिए मेरे को इतना रिफंड मिल जाएगा, लेकिन काउंटर पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि आपको एक रुपये भी रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये कारण क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्लस एक हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी है जिनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को यही सब बताने वाला हूँ कि अगर आप काउंटर का टिकट मोबाइल से कैंसिल करते तो कब तक जाके काउंटर से पैसा ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको फुल मिलेगा नहीं तो आपको एक रुपये भी रिफंड नहीं मिलने वाला है और ना ही मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों सभी आप सभी को बता दूँ कि अगर आप आज मान के चलिए एक तारीख है और आपका तीन तारीख का टिकट है, तो आप अगर आज ही कैंसिल टिकट कर लिए तो आप दो तारीख को कभी भी जाके आप अपना रिफंड ले सकते हैं, या एक तारीख को कभी भी आपको टाइम मिलता है तो आप जाके रेलवे काउंटर से अपना रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं मिला, आप सोचते हैं कि तीन तारीख को जर्नी डेट है, तीन तारीख को ही मैं लूँगा, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको याद ये रखना है कि ट्रेन खुलनी नहीं चाहिए। अगर ट्रेन खुल जाती है, अपने स्थान से प्रस्थान कर जाती है, फिर आपको एक रुपये भी रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। चार्ट भी लग जाना, चार्ट से कोई दिक्कत नहीं, बस ट्रेन को खुलना नहीं चाहिए। ट्रेन बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि चार्ट फिर पे हो जाने के बाद मिलता है कि नहीं, नहीं आप तो अपना टिकट कैंसिल कर चुके हैं ऑनलाइन, बचा बात कि आपको रिफंड मिलेगा या नहीं। तो रिफंड 100% मिलता है, ना कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो रिफंड लेने के लिए आपको करना क्या है, ट्रेन खुलने से आधे घंटे पहले भी कोई भी काउंटर पर जाकर आप अपना टिकट ले सकते हैं। जैसे कि एक हमारे सब्सक्राइबर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इटारसी से दानापुर तक का टिकट बुकिंग किए थे। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि वेब कैंसिल बट नॉट रिफंडेड रिमार्क्स में शो हो रहा है। ये भी अपना टिकट काउंटर से करवाए थे बट ये अपना मोबाइल से टिकट कैंसिल किए थे जस्ट, लेकिन जब ये रेलवे काउंटर पर गए थे इनको एक रुपया भी रिफंड नहीं मिला, क्योंकि ट्रेन जा चुकी थी या ट्रेन जहाँ आने वाली थी वो खुल चुकी थी। इनका इटारसी जंक्शन में 11 बजे ट्रेन थी और ये आपका एक दिन पहले, जैसे कि जो जर्नी डेट है 21 अगस्त 20 तारीख को टिकट कैंसिल किए थे, ठीक है। लेकिन ये 21 तारीख जब काउंटर पहुँचे तो इनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि रात को ही ट्रेन खुल चुकी थी, ठीक है। इसलिए इनको टिकट नहीं, मतलब रिफंडेबल अमाउंट जो था नहीं मिला। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर आप टिकट का रिफंड लेना चाहते हैं तो ट्रेन खुलने से पहले जाके आप अपना रिफंड ले सकते हैं। ट्रेन खुल जाने के बाद आपको एक रुपया भी रिफंड मिलने वाला नहीं है। सो आई होप कि आप सभी को मेरा जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा अगला वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता है।